अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और सेफ होंगे। तो जो करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम बाहर, तो उसकी वजह से तो सारे लोग ही, मोस्टली ज़्यादातर लोग घरों में ही, ऑफिसेज वगैरह भी इतना नहीं जाते, तो बच्चों को स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं और इसलिए बच्चे भी घर पे ही हैं और लोग भी ज़्यादातर घरों में ही हैं। और बेहतर भी यही है सब लोगों के लिए कि वो घरों में रहें। तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। मेरे हस्बैंड भी आज घर पे ही थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ रिफ़्रेशमेंट में मुझे नूडल्स वगैरह कुछ बना के दो, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक देगची में पानी ले लिया, एक देगची में पानी ले लूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। आप जब तक नूडल्स निकाल रही हूँ, वैसे ये अच्छी है, पहले भी एक दफा मैंने इसे बनाए हुए कहते हैं, बहुत अच्छी है ये। और मैं वैसे बनाती भी सिंपल ही हूँ, इतनी इसमें ना तो स्पाइसी और बनाती हूँ और ना इसमें ज़्यादातर मसाले वगैरह या वेजिटेबल्स, कैरेट्स वगैरह या क्यूकम्बर बच्चे शौक से खाने के अंदर तो वो डाल देती हूँ समटाइम। ज़्यादातर चिकन और सिंपल ही होती है और कोई इसमें इतना कुछ मैं मिक्स नहीं करती, बच्चे नहीं खाते, तो हम लोग भी बच्चों के साथ जैसा भी होता है वो खा लेते हैं। तो इसको जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें नूडल्स मिक्स करूँगी। जब तक मैं चिकन के छोटे छोटे पीसीस कर लेती हूँ, चिकन के मैं छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी जो इसमें ऐड करने के लिए। वैसे मेरे पास अलग से बोनलेस चिकन नहीं है, तो इसलिए मैं बोन्स के साथ से इसको थोड़ा सा अलग करके तो इसमें मिक्स करूंगी। तो ये मैं इसके हल्के से पीसेस कर रही हूँ, चिकन में बोन्स के साथ से ही अलग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बोनलेस चिकन नहीं है। कलेजी है मेरे पास चिकन की, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पीसेस कर रही हूँ, सॉरी ऐड तो बाद में करूँगी। वैसे बेहतर होता है कि अलग से बोनलेस चिकन या चेस्ट का चिकन, तो चेस्ट यूज किया जाए इसके लिए तो बेटर होता है। तो अभी मेरे पास बोनलेस चिकन ही है, तो मैं इसके इसलिए इसके साथ से मैं इसको बोन्स के साथ से ही चिकन को अलग कर रहा हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी रेसिपी वगैरह मेरे साथ ज़रूर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने पानी रखा हुआ है देखती में, और यहाँ पर मैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ इसमें ऐड करने के लिए। तो जैसे पानी ऊपर गया, अब इसमें मैं
और इसमें मैं ये नूडल्स अच्छा इसमें थोड़ा सा ऑयल का साल्ट वगैरह में शामिल कर दिया जाती हूँ ताकि ज़रा साल्ट वगैरह शामिल कर दिया जाती हूँ ताकि ये आपस में जुड़े नहीं अलग नहीं। इसके लिए मैं एक स्पून यूज़ करूँगी, एक स्पून यूज़ करती रहती हूँ मैं एक्स्ट्रा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये स्पून ऑयल का मैंने इसमें ऐड किया ताकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। ज़रा सा साल्ट भी मैं इसमें यूज़ कर देती हूँ। एक पिंच में यूज़ करती रहती हूँ तो वही पिंच के हिसाब से मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी। उससे भी ये होता है कि ये आपस में जुड़ती नहीं और अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। यहाँ पे चिकन के ऑलमोस्ट पीसीस हो चुके हैं वैसे। बोन के साथ से उतार दूंगा इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर ये चिकन इस बोनलेस होता तो आसानी से और जल्दी भी हो जाता, तो ये चिकन उसके साथ है तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, मुश्किल है। बोन्स के साथ से उतार रही हूँ क्योंकि अभी चिकन अवेलेबल नहीं है मेरे पास घर में, तो इसलिए मैं चिकन इसके साथ से उतार रही हूँ। इतना सा चिकन बहुत है, वैसे हम लोग हैं भी दो, मैं तो मेरे हस्बैंड है और दो छोटे से बच्चे हैं, तो इट्स इनफ। अच्छा यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं अब जब तक इसके लिए मसाला तैयार करूँगी और उसमें मैं ऑयल यूज़ करूँगी सबसे पहले थोड़ा सा। उसी के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि जितने नूडल्स हैं अंदाजे से आप अपने उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टू और थ्री स्पून लूँगी, अब इसमें मैं चिकन मिक्स कर दूंगी। जब भी हल्का सा फ्राई हो जाए हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद में इसमें चिकन को उबाल के उसके रेशे बना के तो वो भी मैक्रोनी नूडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो
मैं ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ चिकन के, और उसके बाद उसमें मैं नूडल्स में ज़्यादा से यूज करती हूँ। हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो मैं इसमें सॉसेज वगैरह ऐड करूँगी। वहाँ से नूडल्स भी आ गए, बॉइल हो चुकी है। अच्छा, मैं मैक्रोनी नूडल में अक्सर चाट मसाला भी यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, टेस्ट में तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, आपके पास जो भी करने वो आप इसके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये सॉस यूज़ करती रहती हूँ, बारबेक्यू सॉस है, स्मोक की बारबेक्यू सॉस, तो ये यूज़ करती रहती हूँ। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है और ये बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो ये मैं इसमें ऐड करती है तो वो भी ऐड करूँगी। बहुत अच्छी इसकी जब इसे ऐड करता है तो इसकी खुशबू अमेजिंग। ये ऐड करूँगी, उसके बाद सोया सॉस तो ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। नूडल्स को जब तक मैंने इसमें डाल के रखे हैं ताकि इसमें से पानी सारा निकल जाए, इधर मेरे ये चिकन और ये इसका मसाला वगैरह रेडी हो गया। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स वगैरह हल्की सी ऐड करूँगी, ऑनियन वगैरह, कैरेट और क्यूकम्बर, मेरे बच्चे खाते हैं इसके अंदर तो मैं वो ऐड करती रहती हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें क्या ऐड करते हैं। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड, अच्छा तो इसमें मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके उसके बाद मैंने इसको नूडल्स इसमें ऐड कर दी। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर आ गई है कि इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट से, तो अब इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे और बच्चे भी स्कूल में जाने लग जाएंगे और मामू भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें सारे हालात वगैरह। तो सबसे बड़ी बात ये कि इंटरनेट जो 2 दिनों से 3 दिनों से बंद है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा, क्योंकि कल से जो मेरी कल की वीडियो थी वो अभी तक अपलोड नहीं हो रही और वो उसी तरह पड़ी हुई, वो अपलोड नहीं हो रही क्योंकि इंटरनेट इतनी उसकी वो आ रही है बीच में, और थोड़ी सी वीडियो अपलोड होती है उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो अब नेट इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, सबसे अच्छी बात ये, और सबसे अच्छी बात ये कि वो हालात जो हैं तो वो मामूल भी आ जाएंगे दोबारा से। और ये यहाँ पर मैं अभी इसकी हल्का से इसमें नमक ऐड करूँगी टेस्ट के लिए, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो बच्चा है तो वो साल्ट इतना लाइक नहीं करता, लेकिन बस नॉर्मल, तो अगर ज़रा सा भी तेज़ हो जाएगा किसी खाने में तो वो खाने को लाइक नहीं करता, साल्ट को लाइक नहीं करता सोडा, तो इसलिए मैं यहाँ पे साल्ट थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगी टेस्ट के हिसाब से। आप लोग अपने अपने अंदाजे के हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको टेस्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अब फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी आपको, अगर आप लोग देख सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये है फाइनल लुक, ये है इसकी फाइनल लुक। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज में कि आप लोगों को इसकी लुक कैसे लगी और मेरी बनाने का तरीका कैसे लगा।
कैसा लगा। सॉरी, आप लोग भी अपना अपना बनाने का जो भी मेथड है, जो भी तरीका है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं थोड़ी नॉर्मल और सिंपल बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को इस तरह की अच्छी लगती है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, दवाओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।